मंदिर तक तो पहुंच न पाई बैरन मुरली बाजी और भाई भंडारा कैसे लगा? बहुत बढ़िया। और मोहित भाई भंडारा कैसे लगा? बहुत बढ़िया। और गोलू भाई भंडारा कैसे लगा? भंडारा कैसे लगा? अच्छा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो हेलो गाइस, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। तो आज है 22 जनवरी। जैसा आप लोगों को पता है कि आज अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन है और आज वहाँ हमारे राम भगवान जी विराजमान होंगे। तो हम निकल चुके हैं तीनों, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा झांकी झुंकी है हमारे मंदिर में। तो दिखाते हैं आप जा आपको कि हम लोग अयोध्या तो नहीं जा पाए, लेकिन गांव वाले अयोध्या में ज़रूर जाएंगे। मंदिर में है कुछ प्रोग्राम, देखते हैं क्या क्या होता है। पैदल निकल चुके हैं हम, तो चलते हम सीधा आगे। और हम निकल चुके हैं तीनों। तो हम पहुंच चुके हैं, देखिए महादेव मंदिर में। तो यही होगा प्रोग्राम, इधर ही। आज हम अम्मू भाई महादेव के दर्शन करने क्यों आ रखे है? क्या उसका मतलब रीजन है? रीजन कुछ नहीं है, मैं तो दर्शन करने आ रखा हूँ। है आज क्या हो रहा है, मतलब ऐसा जो आज सब लोग पीली साड़ी पहन के आ रखे है, आज ऐसा क्या हो रहा है? आज वो है यहाँ क्या रहे झांकी। किस चीज की? राम, मतलब राम की झांकी क्यों हो रही है? क्योंकि आज अयोध्या में कार्यक्रम है। किस चीज का कार्यक्रम है? किस चीज का कार्यक्रम है? आज राम जी की मूर्ति को वो क्या रखेंगे वहाँ अयोध्या में। हैं? हाँ। अच्छा, और क्या होगा? और कुछ नहीं, और भजन होंगे, चल ही रहे हैं वो। तो मतलब हम राम भगवान केवल मूर्ति से प्रभावित हैं कि उनके गुण से या उनके संस्कार से या उनके व्यक्तित्व से, सभी चीजों से? तो तुम राम भगवान तेरे लगते हो, तुम अपनी मम्मी के साथ मुंह चलाते हो। तो क्यों करो उनकी पूजा? राम भगवान की पूजा तब करो जब तुमने अपने माता पिता के साथ 14 मतलब अपने माता पिता के 14 साल वनवास किया था। कुर्सी को साथ नहीं, हाँ मतलब माता पिता के लिए। माता पिता के साथ देख लो। तो गाइस यहाँ पे राम जी के भक्त क्या बोलने चाहोगे आप लोग, इतनी दूर से आ रहे हो आप लोग हैं? और कुछ अंकी भाई को नहीं लाए, उनको घर का काम करने के लिए छोड़ दिया, ये खुद घूम रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। जय सिया राम। जय पंडित जी नमस्कार। तो यहाँ परवीन भाई को डीजे का काम मिल चुका है। चल चल चलो बस बताइए, बताइयो आपने कब डीजे का काम? बहुत साल हो गए। तो बधाई हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। तो कुछ बोलना चाहोगे आज राम भगवान के बारे में?
बरगल्ली भाई जय श्री राम। जय शंकर की। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं सोनू भाई। सोनू भाई बताइयो, सोनू भाई ओए बताइए भाई थे, भाई भाई थे बताइए, बताइए तो फिर एक बार गला मिला, गला मिला, गला मिला। अब गोलू का जा, गोलू का भाई एक और गोलू का बताइए भाई, बताइए भाई बस बताइए भाई थे, बताइए भाई थे, बताइए 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 बताइए। और हमारे सबसे बड़े भाई कर लिया भाई, शादी की बताइयो, शादी सकल दो सकल भाई बताइयो। और भाई जय श्री राम, जय शिव शंकर, बोल जय शिव शंकर की, बोल जय श्री राम, बोल। ये देख सकते हो मंदिर में आ गया, इसकी दादी अभी खत्म हुई आ रही है, बोल रहे क्या? कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात, जय जय शिव शंकर बोल दे, माफ हो जाएगा, भगवान तुझे माफ कर देगा, बोल जय शिव शंकर बोल। अरे दादी कोई बात नहीं, तू जय शिव शंकर तो बोल, जय शिव शंकर की बोल दे। तभी चोपड़ा पाक के भक्तजन पहुंच चुके हमारे बीच, जय शिव शंकर की। नवीन भाई जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तेज बो तेज बो, Thank you.
बोलो पांडे प्यारी लाल की वृंदावन धाम की साझे दरबार की बलपान पुत्र हनुमान की जान पे जो खेल गए राम के लिए जान पे जो खेल गए राम के लिए हनुमान के लिए तालियां बजाओ हनुमान के लिए हो जान पे जो खेल गए राम के लिए जान पे जो खेल गए हो हनुमान के लिए तालियां बजाओ हनुमान के लिए हो जान पे जो खेल गए राम के लिए जान रथ पे हनुमान है हनुमान जी जयकारा लगाओ।
जय हो। तो दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ हो गया है और अब भंडारा खाने की तैयारी हो गई है और भंडारा खाया भी जा रहा है। बहुत सारी भीड़ है, लगभग सभी गांव से आ रखे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रखी है और भंडारा भी चल ही रहा है समिति द्वारा, क्योंकि हम हमारे जो चंपेश्वर मंदिर है इसमें बहुत सारे गाँव आते हैं इसलिए इसकी अलग समिति है। तो समिति की तरफ से यहाँ भंडारा किया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। देखो मंदिरों में होना चाहिए, जब भगवान हमारे राम श्री राम आ गए हैं तो अपने मंदिरों में भी उनका स्वागत करो। जय श्री राम। और सुनो भाई, भंडारा कैसे लगा? और गोलू भाई भंडारा कैसे लगा? कैसे लगा भंडारा भाई मस्त लगा। तू तो मैंने सुना सुनकर से भंडारा खाना रखा स्पेशल आज क्या भंडारा जो देखो जरा पतल चाटे उसे पतल चाटे स्पेशल आ रखा था वो। और कुछ और कुछ और कुछ नहीं बोले बोले कुछ और बोले 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 पतल चाटे वाली कली। तो दोस्तों आज करते हैं लोग पसंद आया ब्लॉग, क्यों मम्मू भाई पसंद आया? बहुत पसंद आया, हम भूखे मर गए थे। भूखे तो मर गए लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक पूरी खा दी। तो राम भगवान से क्या सीखते हो आप? कुछ नहीं, मतलब आप राम भगवान के और भगवान मानते हो या कुछ सीखते हो उनसे? पता नहीं, ये ऐसे चाहते कि बिना पढ़े पास जाए। हाँ मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ खूब मेहनत करके पढ़ के बता। तो दोस्तों ऐसा होता है कि उनके कैरेक्टर को मानो, ठीक है, कि वो कैसे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया अपने परिवार के लिए। तो चलो फिर चलते हैं, देखा अगर कुछ होगा बता देंगे वरना बाय बाय। तो दोस्तों हम पहुँच चुके थे घर में, भी पहुँच गए हैं, अब थोड़ा क्रिकेट मैच चलेगा हमारा, बैट भी आ गया, बॉल भी आ गई। तो दोस्तों देखो राम भगवान की पूजा करके या वो करके कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा उनके गुणों पर भी थोड़ा हमें विचार करने चाहिए कि उनके उनका मतलब गुण किस प्रकार से थे। कि आजकल आज देखना वो मतलब आज देखना वो भी राम भगवान की फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है, जो कहते हैं कि मुझे अपने सास ससुर के साथ रहना है, तो जिनकी वजह से मतलब उनके घर वालों की बेइज्जती होती है वो भी आज फोटो डाल रहे होंगे कि राम भगवान। लेकिन राम भगवान के गुणों को भी सीखो और एक कैसे वो मतलब उनका कैरेक्टर किस हिसाब से था उस हिसाब से बनो, ठीक है, बाकी बस समझने की बात है बाकी, ठीक है। और एक बार फिर जय श्री राम, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।